चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, चिराग शर्मा से, जो कि दिल्ली से हैं, जिनका ऑलरेडी रैंक 31 है और इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की। तो चिराग, सबसे पहले तो आपको 31 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो चिराग, अभी आप लोग आप अवार्ड सेरेमनी में अपनी मम्मी पापा के साथ आए, बहुत ही खुशी की बात है। yes. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, पहले वो बताओ, फिर आज का आपका एक्सपीरियंस की बात बाद में करते हैं। तो सर, मेरी स्टोरी निमसेट की स्टार्ट हुई थी जब मैं सेकेंड ईयर मेरा एंड होने आ रहा था, तो उस टाइम मैंने अपना इम्पेटस गुरुकुल कोचिंग से मैं जुड़ गया था। मैंने फुल कोर्स ही परचेज किया था, जिसमें क्लासेस भी थी और टेस्ट सीरीज भी थी। तो उसके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मुझे स्टार्टिंग से ही बिलीव था कि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और अच्छा है तो निकल जाएगा। बस एक सेल्फ डाउट होता है थोड़ा थोड़ा कि शायद निमसेट ना निकले, पर यह था कि प्रिपरेशन अच्छी होगी, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसके साथ मैंने स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली करता गया। कॉलेज एग्जाम भी आए बीच बीच में, तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन रुकी, लेकिन यह है कि था कि कंटिन्यूसली करना है तो 1 घंटा 2 घंटा उन टाइम भी निकाल लेता, और जैसे ही वो एग्जाम खत्म होते एक दो वीक की छुट्टी पड़ती उसमें ज्यादा कवर कर लेता, तो पीछे का छूट गया। उसके बाद लास्ट के 3-4 मंथ में तो सर सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही फोकस था, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका था, तो बस उसी पे फोकस करते हुए ये रैंक अचीव किया। अच्छा, ये बताओ आपके सेमेस्टर एग्जाम थे या ईयरली थे? सेमेस्टर एग्जाम थे। तो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम कब था? सर निमसेट से 2-1 ही दिन पहले था, मेरे लास्ट एग्जाम के बाद एक छुट्टी थी और अगले दिन निमसेट था। कब स्टार्ट हुए थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार स्ट्रांगली जूनियर को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ये ना सोचे कि सेमेस्टर एग्जाम से उनकी पढ़ाई पे। तो आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1 वीक पहले स्टार्ट हो गए थे, लगातार ही थे मेरे, एक एक दिन की छुट्टी थी सेमेस्टर एग्जाम की और उससे पहले 2 वीक तक प्रैक्टिकल चल रहे थे। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट मई मिड से लेके 6 जून तक आपने एग्जाम दिए, राइट सर? तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मई मिड से लेके 6 जून तक फाइनल ईयर के एग्जाम, 8 जून को निमसेट का एग्जाम, दोनों जगह टॉप करना, डीयू यूनिवर्सिटी से आप, यस सर, डीयू यूनिवर्सिटी में कोई परसेंटेज बनाना आसान नहीं होता। तो आपका मैनेजमेंट कैसे था, मतलब ये थॉट आया क्या? कई बार बच्चे मुझे लिखते सर वो 1 महीने पहले एग्जाम खत्म होंगे और 1 महीने का टाइम, कई बच्चों के अप्रैल में खत्म होने भी उन्होंने मैनेज नहीं किया कि 1 महीने में कैसे करेंगे, आपको तो 2 दिन बाद देना था, तो आपका मैनेजमेंट क्या था? निमसेट ने पहले तो बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि इस दिन हमारा एग्जाम है, तो इससे तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि इसी दिन है, और सेमेस्टर एग्जाम के बारे में भी आपको पता चली जाता है 1-1.5 महीने पहले कि इस दिन है, तो सबसे पहले तो अगर पता है तो उसी के हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना होता है। मेरा जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैंने अब जो मुझे पता है कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं तो मेरे को उस टाइम टाइम नहीं मिलने वाला, तो पहले ही मैंने 2 वीक पहले ही सारा का सारा अपना निमसेट का रिविजन स्टार्ट कर दिया था और जितना सिलेबस था मैंने सारा का सारा रिवाइज करके पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब उसके बाद मेरे पास जब सेमेस्टर एग्जाम रह गया उस वीक मैंने सेमेस्टर एग्जाम का फोकस किया और एक मॉक दे देता था, एक आध मॉक दे देता था 2-3 दिन के बीच में उस टाइम में, और उसके बाद जब 1 दिन बचा था मेरा उस दिन मैंने मैथ नहीं छेड़ी, उस दिन मैं थोड़े LR वगैरह के कॉन्सेप्ट देख लिए थे और फिर मैं पेपर दे गया। अच्छा, जब पेपर चल रहे थे और प्रैक्टिकल चल रहे थे उस समय आप निमसेट की पढ़ाई करते थे? मॉक टेस्ट पे ज्यादा, प्रैक्टिकल में तो करता था, प्रैक्टिकल में ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो प्रैक्टिकल में मेरा फोकस इसी पे था। पेपर में जैसे कल ही पेपर है तो आज निमसेट की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पेपर का पढ़ना ही है, तो कल पेपर है तो पढ़ लो, अगर किसी पेपर में 2 छुट्टी मिल जाए तो उसी हिसाब से आपको वो करना होता है। अगर मान लीजिए कोई आसान पेपर है 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है तो पहले दिन आप वो पढ़ लीजिए, निमसेट का कुछ दे लीजिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, कुछ रिवाइज कर लीजिए और अगले दिन आप अपना सेमेस्टर एग्जाम का पढ़ लीजिए। एक ही दिन की छुट्टी है, कल ही पेपर है या लगातार है तो थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लें अगर रह रहा है तो, वरना आप उसका कर लें। चिराग, मुझे आप है ना कुछ स्पेशल टिप्स बताओ। अभी सेजल का मैंने इंटरव्यू लिया, उसने एक बात बताई, उसका 8.5 पॉइंट बना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में बहुत अच्छा परसेंट था उसका, उसको पहले ही पता था फाइनल में करना है और उसको ये पता था कि जैसे यूनिवर्सिटी में 4 चैप्टर आ रहे हैं तो 3 कवर कर लिए, चॉइस ऑप्शन है। आपने भी कुछ इस तरह की ट्रिक्स अपनाई थी कि परसेंटेज भी बने रहे यूनिवर्सिटी के और आप अपना निमसेट भी कंप्रोमाइज ना करो? सर, मेरी DU में 9.53 CGPA से ज्यादा मेंटेन्ड है, मेरी स्टार्टिंग से ही मेंटेन्ड थी, पर मेरा ये नहीं था कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं उससे भी। मतलब स्टार्टिंग में तो आप बड़े आसानी से मेंटेन कर सकते हो, पहले 2 ईयर अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको मेरे हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही अपना CGPA बनाने के लिए, तो उसमें आप पढ़ के बना लो स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की बिगड़ गई है, स्टार्टिंग में नहीं बनी है, वो भी उसे मेंटेन करने को शायद 7.5 चाहिए होती है मिनिमम, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये तो पता ही होता है कि प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चन आने होते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल CGPA बनानी है तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए। लेकिन मैं मतलब ज्यादा करके जाता था तो मेरे लिए था कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, यूनिवर्सिटी सिलेबस इतना नहीं होता, 2 दिन मेरे हिसाब से, अगर आपने स्टार्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा, अगर आप क्लासेस जा रहे हैं, अगर आप रेगुलर हैं थोड़ा थोड़ा, अगर आप क्लासेस में देख रहे हैं तो आपको बैक माइंड के बैक में चलता रहेगा कि ये टॉपिक है ये है, तो आप उस दिन जब आप स्टार्ट करेंगे रिवीजन तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि जब मेरे एग्जाम डे आते ही कल एग्जाम है तो आज मैं सारा कुछ कर पाता था 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम के अंदर, और मेरे 9.5 से ज्यादा CGPA मेंटेन है। क्या पोजीशन रही आपकी, क्या रैंक रही यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में सर अभी मेरी अपीयरिंग है तो रिजल्ट नहीं है। अच्छा, रिजल्ट नहीं है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चिराग ने बोली कि, और मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कॉलेज के नाम पे साल भर मत खराब करो। कई बच्चे बोलते हैं ना कॉलेज है फाइनल ईयर है,
चिराग कितना अच्छा एग्जांपल है कि पॉइंटर भी मेंटेन रखे, कोई 9.5 कम नहीं होते, यानी ये टॉपर ही निकलेगा भी जब रिजल्ट आएगा, ये बात भी पक्की है। दूसरी बात, 2 दिन में पढ़ाई की स्मार्ट स्किल के साथ, PYQ को कंप्लीट किया। और ये सच है कि अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो 5-6 साल के पेपर अच्छे से करो। स्मार्ट पर उसने बुक भी सॉल्व की, वो भी कंप्रोमाइज नहीं किया, NIMCET भी कंप्रोमाइज नहीं किया, और आज इतनी अच्छी रैंक है चिराग। अच्छा आप ये बताओ कि आज, अब आप पहले तो आप ये बताओ जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो मैनेजमेंट जिनका तगड़ा नहीं होता या जिनको लगता है यूनिवर्सिटी कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? दो टाइप के जूनियर होते हैं, एक तो जिन्हें की होता है कि हमें बहुत ज्यादा CGPA भी बनानी है और NIMCET भी करना है, तो उनके लिए तो यही है कि आपको सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि तब आप पे प्रेशर नहीं होता, आप NIMCET को ज्यादा टाइम दे सकते हो और थोड़ा थोड़ा अपने सेमेस्टर एग्जाम में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते सेमेस्टर स्टार्ट होते ही, तो उसके साथ आप करते रहे, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा। लेकिन जो है जो कि थोड़ी सी CGPA मेंटेन हो जाए, मेन फोकस NIMCET पे ही है, उन्हें मैं कहूंगा कि चाहे आप सेमेस्टर स्टार्ट में NIMCET पे पूरा फोकस करें, जैसे ही सेमेस्टर का एंड क्लोज आ रहा है तब थोड़ा थोड़ा सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करना स्टार्ट कर दे और उस पर फोकस करें। दे मेरा। और आज आपका अवार्ड सेरेमनी में थे आप दिन भर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा आपको फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ सर, इतने सारे जो अभी मेरे साथ त्रिची में ही जाने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट मिल गए, पहले ही मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो गया, एक तो सबसे पहले यही बढ़िया था, ऊपर से इतने सारे स्टूडेंट सारे अपने अपने बातें बता रहे हैं कि वो कैसे उनकी स्टोरी थी, उनकी कैसी जर्नी थी, उस सब के बारे में फील हुआ, और साथ में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, ये भी सर बहुत बिल्कुल सही बात है। आपके पेरेंट्स आए, मम्मी पापा, उनको भी बुलाना चाहूंगा, प्लीज आप आइए। तो सबसे पहले तो चिराग की ऑल इंडिया रैंक 31 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग भोपाल आए अवार्ड सेरेमनी में, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा आगे भी ग्रो करेगा ऐसे ही, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप ये बताइए कि आपका आज की अवार्ड सेरेमनी में कैसा रहा, आपको कैसा लगा आके और क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत जरूर जानना चाहूंगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पे आके इतना एंजॉय करा, खूब अच्छा लगा, सब पेरेंट्स से भी मिले, कई फ्रेंड भी बन गए हमारे, और खूब अच्छा लगा सर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। बस